मुझे 180 गई थी और अभी हालत राम भाई मैंने तो तुम्हें भीजा वगैरह रुका स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और पीछे आप देख सकते हो यार हमारी घड़ी में 10R सदाम भाई की। तो आज का ब्लॉग जरा कुछ तो भाई होने वाला, आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं 10R के साथ में भाई। रियर सीट पर आज इसके बैठ के कंफर्ट चेक करने वाले हैं और पिलियन सीट पर देखने वाले हैं भाई कैसा लगता है सुपर बाइक पर बैठने के बाद में। सो इससे प्रीवियस ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट टाइम जो है 10R को चलाया है और क्या इमोशनल ब्लॉग था भाई, ज़रूर जाकर चेक करना भाई, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो अभी हम करने वाले हैं 10R के पिलियन पर राइड और देखते हैं भाई पीछे बैठकर कैसा लगता है, क्योंकि सदाम भाई तो बहुत तेज चलाते हैं, ये एक्सपर्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर, और पीछे काउल लगा हुआ है, काउल निकालते हैं, सीट लगाते हैं और फिर जरा हाईवे पे दौड़ाते हैं भाई। यहाँ खड़ी हुई है हमारे पास 10R और चेक कर सकते हो भाई यहाँ पे लगा हुआ है काउल, ये काउल उतरने वाला और देख रहे हो कितनी छोटी सी सीट यहाँ पर लगने वाली है, दिखाना भाई। ये है भाई इसकी सीट जो फिक्स होने वाली है यहाँ पर, और इस पर पीछे बैठकर अभी हम राइड करने वाले हैं। सदाम भाई चलाएंगे और मैं पीछे बैठने वाला हूँ और देखते हैं भाई कैसा लगता है, क्योंकि अभी तक ये काउल के साथ में चल रही थी। देखते हैं पिलियन का कंफर्ट कैसा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखो सिंपली यहाँ फिट हो गई है सीट, ये सही से फिट होनी चाहिए भाई। तो भाई शादाब भाई ने कर दी है फिट, अबे साले फैजान भाई ने, सॉरी शादाब भाई को आज हम मिस कर रहे हैं क्योंकि वो है नहीं यहाँ पर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं भाई और मैं बैठने वाला हूँ अभी सीट पर। तो सदाम भाई रेडी हो? चलो भाई शाम हो रही है भाई और अभी हम इसको बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में करने वाले हैं। आवाज आ गई है, बस 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 बस। तो चलिए भैया मना कर चुके हैं पीछे से, साइड से लगा लो बस भाई साहब। भाई साहब सीरियसली देख रहे हो, मुंह देखो भाई मेरा मुंह, ओ गॉड। भैया 180 गई थी और अभी हालत खराब हो गई। सदाम भाई कितनी गई थी? 180 प्लस ही पहुंची थी, हाँ थर्ड गियर 180 प्लस पहुंच गई थी भाई साहब। जब 130 के बाद खींची है ना तो हालत खराब हो गई मेरी, तो बिल्कुल ही लिटरली बिल्कुल। ओहो दाम भाई मैंने तो तुम्हें भीचा वगैरह, रुक जाओ साले, तुम रुक ही नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि डर यार आगे? जब चलाने वाला होता है ना उसे डर नहीं लगता, पीछे वाले में डर लगता है। भाई साहब एक तो सीट इतनी नैरो है, सारा वेट जो है ना थाइस पे आ रहा था, और जब इन्होंने भाई 130 से ऊपर गए बहुत ज़्यादा खतरनाक था भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ओह तो भाई इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अपनी हिम्मत नहीं है भाई इसको झेलने की। मुझे तो लगता है भाई पहले तो ये चला रहे थे 80 से 120 चला रहे थे भाई, तब तक तो ठीक था, जब इन्होंने 120 के बाद खींचा ना तो ना भैया अपने बस की बात नहीं पीछे बैठना, ऊपर से मेरे पास अभी हेलमेट ही नहीं था तो यार बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो सदाम भाई आपको तो मजा आया होगा, सबको मजा आया, पब्लिक को मजा आने चाहिए गाइस, ओ हमारी ऑडियंस उन्हें मजा आने चाहिए। ओ चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं,
तो एक छोटा सा रिएक्शन था और मैं आपको बताना चाहता था भाई पीछे बैठ के कैसा लगता है सुपर बाइक पे। लिटरली भाई मैंने सोचा नहीं था इतना खतरनाक सीन हो जाता है पीछे बैठ के। एक तो यार सीट बहुत ज़्यादा छोटी है और इसके फुटपैक जो है ना ऊपर है, तो सारा वेट मेरी थाइस पर आ रहा था भाई। बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, केवल सिंगल पर्सन के लिए ही बनी है ये बाइक। लेकिन भाई 120-130 तक तो बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद तो भाई बिल्कुल स्कैरी हो गया सीन, बहुत डरावनी हो गई भाई ये बाइक। ओह, देखने में जितनी स्वीट और इनोसेंट सी लग रही है ना, उतनी ही ज़्यादा एक मॉन्स्टर हो जाती है हाईवे पर आकर। इस ब्लॉग को भाई यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय 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 बाय। हालत खराब है, बाय बाय।